अभी जिस गाय के बारे में हमने आपको दिखाया था, आखिरकार में हमको आकर के वो फाटक को, आप मनी फाटक को हिला रही थी, ये जंगली गाय जिसको अंदर आग ताप रही थी, अब उनके लिए बाहर आग जलाए, वो खड़ी हैं, साथ में सांड भी आ गया, और रात में एक दो जानवर यहाँ आएंगे, यहाँ कुत्ते भी अभी आएंगे, सब बैठेंगे, यहाँ भी आग जल रहा है और अंदर भी आग जल रहा है, सब नमूना देख लीजिए आप, यहाँ आग जलाए और यहाँ यहाँ अभी खड़ी थी थोड़ी देर पहले, ये देखिए अब ये आग जो है, ये हल्की हल्की आग आँच है, अब वही बछिया खड़ी है यहाँ पर तीन पैर से, दांत का कटकटाहट इसका बंद नहीं हो रहा है, वो भी कुछ दवा लानी है, तो देखा यहाँ इस अभी थोड़ी देर पहले इंतजाम किया, अब यहाँ आग जलाए, और रात के 12 बजे हम यहाँ आपको दिखाएंगे घड़ी, ये देखिए रात में 12 बज रहे हैं, अब आग जल रहा है, अब इनको राहत मिल गई, इनके करीब चले जाओ तो कहो कि जान से मार ही दें, ये रात में 12 बजे हैं, इस समय पूरा सन्नाटा, सड़क पर रोड पर कहीं कोई आवाज़ शोर गुल कहीं कुछ नहीं है, यही हम एक लोगों को नमूना दिखाते हैं कि एक अकेला आदमी सब कहाँ तक करें, कहाँ तक, ये सब टीवी पर इसको देखने के बाद कुछ तो शर्म करो लोगों, अरे खुद करो अपने अपने मोहल्ले में, जहाँ बेलीगंज की गाय है, घर घर पूजा, घर घर कैलेंडर है बेलीगंज में, तोला राम गणेश मल सब मौजूद हैं वहाँ, हैं शुभ लाभ लिखा है सबके दरवाजे, उनको नहीं दिखाई पड़ा, हमारी बड़ी बेटी को वो मतलब बछिया दिखा पड़ी, पैर एकदम लाल लहूलुहान था, कीड़े खा गए थे, बहुत गहरा घाव था, कीड़े नोच रहे थे उसको, और उसको हमारी बेटी ने भेजा, तो यही है वाणी को विराम दे रहे हैं, एक नमूना दिखा रहे हैं कि रात में 12 बजे भी हमको चैन नहीं है, 77 साल की उम्र हो रही है, यही बार हम बार बार बताते हैं मेरी उम्र क्या है, समय क्या है, हमें आराम करने की आवश्यकता है, कि न कि हम दिन भर जागें रात भर जागें, ये सब कर करा के वीडियो बना के दिखा रहे हैं, हमको कोई इनाम या तगमा या कोई हमको पद नहीं लेना है, बुढ़ापे में मरने के टाइम हमें कुछ नहीं चाहिए, न धन न दौलत न कोई पद न प्रतिष्ठा, बस जो कुछ हमारे कार्यों से सीखो और सीख के अपना भला करो, दूसरे को पर एहसान मत ला दो, अपना भला करो, मरोगे ना तो भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा, भगवान के यहाँ नहीं पूछा जाएगा कितने तुमने गोहत्या बंद हो गौ माता गोरक्षा के नाम पर कितने नारे लगाए थे, या भगवान के यहाँ पूछा जाएगा तुमने कितने उपवास किए, कितने लोगों में चर्चा किया, कितने लोगों को बताया, देखिए कितना इसको आराम मिल रहा है, आँख मूंदे खड़ी है, देख रहे हैं आँख मूंदे, खूब बढ़िया आग जल रहा है, आँख मूंदे खड़ी, भगवान के यहाँ सब जवाब देना पड़ेगा, हमारा मतलब हर आदमी करो तो हमको थोड़ी राहत मिल जाए, लकड़ी किनारे कर ले जरा, लेकिन ना श्याम साधु गैया कहीं पड़ी है तो श्याम साधु, सांड पड़ा है तो श्याम साधु, नंदी बाबा सांड गधा कुत्ता सुअर कहीं भी पड़ा है तो श्याम साधु को लोग याद करते हैं, बस ये नहीं आज तक कोई किसी ने पूछा कि महाराज आप ये कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, आपका खर्चा कैसे चलता है, पैसा कौन देता है, और फिर पैसा कोई देता भी तो अकेले आप कैसे झेलते हैं, ये साहब कोई पूछने वाला नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहने क्या है, उन नेताओं को दिखाएंगे ना जो अरबों खरबों में खेल रहे हैं नेता, ये उनका दिखाएंगे, हमको नहीं दिखाएंगे ना ना, अरे हमको दिखाएंगे तो हमको खुद थोड़े लेना है, हमको तो समाज को जगाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है बस वो किसी बात को अगर पीछे पड़ गई कि उन्होंने ये शब्द कहा, साक्षी महाराज ने ये कहा, उसके बाद वो कौन है आजम खान ने ये कहा, बस कहानी शुरू, अब उन्हीं लोगों को बार बार चर्चा कर कर के कर कर के कर कर के फिर आ जाएंगे धर्मगुरु, धर्मगुरुओं से पूछा जाए कभी ऐसा काम किया है तुमने, केवल बकबकाए हो बस, धर्म की बात है,
सीता जी के सर के बाल बताए होंगे। हमारे मौलाना मौलवी साहब हुजूर ने यह फरमाया और हदीस में यह लिखा हुआ है। अरे तेरे मन में क्या लिखा है भैया, हैं? इंसानियत की लोगों को खुद पहले इंसान बनो, फिर इंसानियत की पाठ पढ़ाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। अरे मनुष्य हो, हिंदू भी मनुष्य है, मुसलमान भी इंसान है, मनुष्य है, और हम लोग मनुष्य होके हम लोग जानवर से बदतर काम कर रहे हैं। जानवर एक दूसरे का दुश्मन एटम बम बना के नहीं बैठा। अब एक देखिए कोरिया वाला मर रहा है, वो देख रहे हैं, वो हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर रहा है। अरे पूरी दुनिया को दबोच लेना चाहिए ऐसे आतंकवादियों को या ऐसे तानाशाहों को, दबोच के उनकी हत्या कर दे। जो आदमी अपराधी हो, क्रूर हो, उसको धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 9 जनवरी 2016, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री रात। रात्रि का सीन आप देख रहे हैं, ये सब फल लगे हुए हैं नारंगी के। जय श्री राम।